या आपको भी वही स्क्रिप्ट मिला था जो मई का बुहारी को मिला था सबको वही मिला था का वाक्या। <coughs> क्या इमरान खान के बयान का नतीजा था जब इस तरह के कोई चीज आती है तो मुझे वो याद आता है सब तो मुझे रोना आ जाता है विच इज नॉट गुड मुझे टीवी में बैठ के रोना अच्छा नहीं लगता आपके लीडर इमरान खान ही है हाँ ना सोबिया ये तुम्हें झंडे नजर नहीं आ रहे इतने भी हालात मुश्किल हो गए की आप चंद ही दिनों बाद इमरान खान का साथ छोड़ गए मैं कहती थी जेल अच्छी थी अब मैं वाहिद थी जिसने अपने वकील को कहा कि तुम ये मेरी एप्लीकेशन वापस लो नौ मई के प्लान के हवाले से कोई जिक्र हुआ कोई प्लान या स्कीम आपको नजर आई इस मुल्क में तो ये चलता है लेकिन आप जिस पार्टी में इतना अच्छा रहे हो जिनको आपने ऐसे उछल उछल कर डिफेंड किया और फिर अचानक उनमें इतनी बुराइयाँ तोबा वो तो हमारी सिलेक्शन तो आज साबित हो गया ना पब्लिक ने की थी पार्टी की बहुत सारी खातन जो है वो आईपीपी ज्वाइन कर चुकी है <coughs> आपने इस तरह की ऑफर हुई अगर हुई तो इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया ऑफ़र छोड़ो हमें प्रेशर था इसलिए हमने साढ़े साड़, सात माह बाहर गुजारे हैं आपने मुझे फिर अरेस्ट कराना है <laughs> असल नया दौर न्यूज के साथ मैं हूँ सोबिया अशरफ आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के दौरे में तर्जमान पंजाब हुकूमत रहीं बल्कि वो सूबाई असम्बली की मेम्बर भी रहीं मगर नौ मई के वाक़े के बाद उन्होंने पच्चीस मई को अपने हावन जमशेद इकबाल चीमा के साथ ना सिर्फ तहरीक इंसाफ से अलहदगी एख्तियार की बल्कि सियासत को भी हैरबाद कह दिया मगर आज हम उनसे पूछेंगे कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अंदर की बात मेरे साथ मौजूद है जमशेद चीमा आपको भी आ, काफी मुश्किल और सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बाद आज देखते हुए माशाल्लाह बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है बहुत शुक्रिया अच्छा पहले तो ये बताए की नौ मई के वाकई के बाद आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मलिका बुहारी के कुछ ही टाइम बाद आपने भी सेम वही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सियासत को भी छोड़ा और तहरीके भी अलग ही तैयार कर रही क्या आपको भी वही स्क्रिप्ट मिला था जो मलिका बोहारी को मिला था सबको वही मिला था क्या वो स्क्रिप्ट जो है वो आपको व्हाट्सएप हुआ था या फिर किसी कर्नल की जानम से पैगाम आया था नहीं ऐसे नहीं बस ठीक है क्रक्स ये था स्क्रिप्ट तो इसको नहीं कह सकते बट करक्स ये था कि बस ठीक है वाक्य क्या इमरान खान के बयानी का नतीजा था नहीं बेसिकली ये बदकिस्मती थी इस मुल्क की पाकिस्तान की और इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात की और जो कुछ इस कौन ने बर्दाश्त किया विश के नौ महीना हुआ होता तो हम सबको ये बर्दाश्त ना करना पड़ता सैड और बैड इंसिडेंट जिसने हम सबकी जिंदगियां बदल दी 25 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप बड़ी अफसरदा थी और आपने उस अफसरदगी में ये भी कहा कि काश मेरे बस में होता तो मैं नौ मई का वाक्य मिटा देती क्या अभी भी इसी स्टांस कायम हाँ बिल्कुल आई रियली मीन इट के जैसे जैसे मैं जब जब सोचती हूँ इवन ये जो जेल के सत्रह दिन और फिर उसके बाद साढ़े सात माह जो घर के बगैर अपने शहर के बगैर अपने बच्चों के बगैर जब जब भी मैं सोचती थी तो ज़ाहिर है मैं मतलब विशफुल थिंकिंग और काश बहुत बड़ी है मेरी ज़िंदगी में उस दिन के हवाले से कि ये ना हुआ होता तो बहुत अच्छा होता काश वो दिन टल जाता पच्चीस मई को आपने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतालबा भी किया आपने कहा जिन लोगों ने या जिन अफराद ने नौ मई को जराव घेराव किया उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए क्या आप समझती हैं क्या अब भी मुतालबा करती हैं कि सविलियंस का ट्रायल जो है फौजी अदालतों में होना चाहिए देखिए मैं ये समझती हूँ कि इस मुल्क को आयन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए जो इस मुल्क आयन और कानून कहता है अकॉर्डिंगली होना चाहिए नंबर वन इट डज़ेंट मैटर अगर इंसाफ हो ट्रायल कहाँ जहाँ भी हो इंसाफ पे मबनी हो और इंसाफ होता हुआ नजर आए और अगर पाकिस्तानी कौम एक कितने बड़े सानहे से गुजरी वो सानहे से काम नहीं था अनफॉर्चुनेटली तो उसमें जो शरपसंद शरपसंदनासर जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हैं येस वी ऑल एग्री हमारी पूरी पार्टी का ये मौकाफ़ है कि उनको हो और बाकी जो बेगुनाह हैं उनको कानून और कायदे के मुताबिक जो भी एक लीगल प्रोसीजर है उसको अडोप्ट करके बहुत मैसिव लेवल पे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं बहुत और स्पेशली ख़्वीन के लिए मेरा बहुत दिल परेशान होता है मैं खुद आई एम मदर ऑफ टू मैं आपको अगर, अगर अपनी फीलिंग्स बताऊं या मैं अगर अपनी आपको हेल्थ कंडीशन बताऊं इट्स नॉट गुड मतलब कि और जो मैंने जो कुछ देखा या जो लोगों की मजबूरियाँ फिर समझ आती थी स्पेशली तो उस वक्त भी और आज भी मैं उनके लिए दुआई कर सकती हूँ या उनके लिए कोशिश में ये वाली भी मैं ये कोशिश ही समझती हूँ कि कर अल्लाह करे कि पॉजिटिव सेंस प्रिवेल करे और फैसले सा, फैसला साज जो है वो इस चीज़ को देखें कि इस चीज़ के लोगों की जिंदगियों पे कितने भयानक असर आते हैं और अल्लाह करे कि हमारा मुल्क आगे बढ़े और नफ़रत थोड़ी कम हो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े और तो ये जो आप सारी उम्मीदें आठ फरवरी मुश्किल टाइम देखा उसमें आप मायूस किस मूवमेंट में हुई और कहाँ पे आप दिल बर्दाश्त हो गई वो कौन सा लम्हा था वो था जब ये इबाद के बच्चे की सारा वो इवन डेथ तो उसके बाद में जब उसका क्राइसिस चल रहा था ना तो मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं बीमार होना शुरू हो गई या जैसे बंदे को पैनिक अटैक्स या उस बच्चे के लिए मेरा बहुत दिल खफा होता था बहुत परेशान होती थी और मीडिया के थ्रू और वैसे भी मैं पता लगाने की कोशिश करती थी एक दफ़ा मुझे याद है कि मैं इतना मतलब मैं बहुत ही परेशान थी कि अल्लाह कोई इस बच्चे को उसके वालद से मिलवा दे या क्या ऐसा हो कि ये बच्चा सही संभल जाए उसके शायद मेरी सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा थी मैं अपने बच्चे को ज़्यादा रिलेट कर रही थी ना वो बहुत मुश्किल टाइम था मेरे पे बहुत बहुत ये ये तो तो आपने इवन आई 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 टेल यू इन इन वर्ड्स और मेड अ वीडियो वीडियो बहुत मेरी बुरी हालत थी मुझे तो मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये जो है ना बाद में मेरे ना इतनी मैं दिल बर्दाश्ता हो गई थी कि ये फिर बाद में चलाएं और इट वॉज डिफिकल्ट टाइम इसीलिए अभी पता है <laughs> हाँ, क्या ये एक्सीडेंटली इंटरव्यू शुरू हो गया अभी आई एम नॉट लाइक कैसे कहें कि अभी आई एम नॉट फिट फॉर दिस तो मुझे वो याद आता है सब तो मुझे रोना आ जाता है विच इज नॉट गुड मुझे टीवी में बैठ के रोना अच्छा नहीं लगता अच्छा आपने कहा सबको एक ही स्क्रिप्ट मिला था छोड़ो ना वो जो भी उसको ऐसे समझो मिच्योरिटी के साथ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो सरकम ऐसे थे कि किसी और के पास जो भी बेचारे थे किसी के पास कोई नहीं थी ऐसे समझे प्लीज हालात ऐसे पैदा कर दिए कि कि किसी के पास कोई और चॉइस छोड़ी नहीं है जिसके पास चॉइस नहीं थी उसी ने की मैं ऐसे कहती हूँ जिसके पास ऑप्शन नहीं बची उसने सोचा ठीक है उसने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं अच्छा ये बताएं कि नौ मई को जब ये हमला हुआ तो आप उस वक़्त कहाँ थी मैं कोर्ट में थी खान साहब के साथ मैं इधर से उनके साथ गई थी और कोर्ट के अंदर जब उनको अरेस्ट किया मैं साथ ही थी और फिर मैं रात 12 बजे तक कोर्ट में ही रही ना हम जो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट उधर और ये सारा जो भी लीगल प्रोसीजर हो रहा था 12 बजे हमें इंसाफ ये मिला कि ये लीगल थी अरेस्ट तो जाए <coughs> नेक्स्ट डे भी मैं उधर ही थी फिर नेक्स्ट डे अगली रात को एक दो बजे हम लोग रेस्ट हुए इमरान खान आप ने आपसे कहा आपके बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि आप मेरा पैगाम फला फला को पहचा दे तो <laughs> ये बताए वो पैगाम आपने किस किस को पहुंचाया वो ऑडियो में नाम तो थे आजम स्वाति साहब के लिए था फैमिली के लिए था कहीं उसमें नौ मई के वाकई के हवाले से कोई पैगाम तो, तो था वो था सुनो ना ना नहीं सुनो ना जा दोबारा जाके रिकॉर्डिंग उसकी सुनो उसमें मुझे भी ढूंढ के सुनाओ जिक्र <laughs> <laughs> था अच्छा ये भी एक था सोचो जिनका प्लान था ना उन्हें पता ना उनकी तर्जमान को पता अगर हम हम दोनों को पता होता तो कहीं डिस्कस कर ही लेते किया वाकई नहीं पता था और मुझे पता ही नहीं था बाहर हो क्या गया है फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ये इस सब चीज का अंदाजा भी नहीं था अदरवाइज मैं भी अंडरग्राउंड हो जाती तो ना अरेस्ट होती